दोस्तों आप सभी का वेलकम है एक न्यू व्लॉग में। और अभी मैं हूँ शिमला, जो ढली बाईपास है जो कि शोगी मार्केट से साइड से आ जाता है। तो अभी मैं बाईपास रोड पे हूँ। तो मैं गया था ढली तक, वहाँ मैं गया था जो हमारे हिमाचल के फ्रूट्स होते हैं, एप्रिकॉट पलम्स वगैरह, वो मंडी में कैसे आते हैं वो सब आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आ रहा हूँ बाईपास से, क्योंकि मेन रोड से क्या होता है कि जाम काफ़ी होता है। तो फिर सोचा कि आप सबको बाईपास दिखाता चलूँ। और जो ये बाईपास है काफ़ी अच्छा ये रोड है। अगर आप शिमला मार्केट से जाते हो तो वहाँ जाम आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आप बाईपास से आ सकते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा और साथ में आप इस नेचर का एंजॉयमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे पहाड़ है। वो मेरे पीछे तो तारा देवी टेम्पल है। आगे चलो सफ़र शुरू करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। बीच बीच में आप सबको इस तरह से बैठने के लिए इस शिमला बाईपास में, अली बाईपास में दो से तीन जगह में ऐसा आपको बीच में बैठने को मिल जाएगा। अगर आप रास्ते में अपना थोड़ा खाना पीना करना चाहते हो या थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो ऐसी जगहें आपको बीच में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा है। और साथ में नीचे को पुल है, यहाँ पे ये पुल बना है, नीचे से पानी बह रहा है। और इससे पीछे भी एक जगह, वहाँ पे आगे भी ऐसा मिल जाएगा। अगर आप इस बाईपास में आना चाहते हो तो आपको महली जगह पड़ेगी। वहाँ महली से जो शोगी तक का सफ़र होगा वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा का रहेगा। और शोगी जो कि शिमला से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहाँ से आपको राइट साइड जो तारा देवी टेम्पल वाला रोड है वही वाला ये बाईपास रोड है। और जो सेफ सीजन होता है उसमें जो हैवी गाड़ियाँ होती है, ट्रक्स वगैरह, वो भी बाईपास से ही जाते हैं ज़्यादातर। और कुछ समय से ये रोड काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे हो गया है कि ट्रैफिक हो चुका है, क्योंकि शिमला के जाम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं भी जब सुबह शिमला का वहाँ से आया था मेन वाले रोड से, तो कम से कम मुझे एक घंटा जाम में रहना पड़ा। तो इसलिए मैं अभी वापस में पहले ही बाईपास से आ गया। तो आप सबके लिए भी अगर मैं बता रहा हूँ कि खासकर ये जो गर्मी का सीजन है इसमें बहुत दिक्कत होती है जाम की। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये रहा जी शिमला सामने, और हम इतने बार में आ चुके हैं, 17 से 18 किलोमीटर हो चुके हैं हमें आते हुए, और सिर्फ 7 के 8 किलोमीटर रहता है अब आगे, जहाँ पे हम मेन रोड शिमला चंडीगढ़ वाले में मिलेंगे। और इस रोड में एक खासियत और मैं आपको बताता हूँ, तो पेड़ पौधे इतने हैं कि आपको गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि छांव बनी रहती है रोड्स में हर जगह। अगर आप देखो तो देखो पेड़ पौधे इतने हैं कि छांव बनी रहती है, और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं आपको मिलेगा इसमें। हाँ, थोड़े टाइम में जब सेफ सीजन चलेगा तो फिर आपको इसमें बड़े ट्रक्स काफ़ी देखने को रोड में मिलेंगे, क्योंकि फिर जितनी भी लोड वाली गाड़ी होती है वो सब यहीं से ही आती है, उनको बाईपास से ही भेजा जाता है, खाली भी और जो लोड होके भी आती है। क्योंकि मेन जो शिमला वाला रोड है उसमें बड़ी गाड़ियाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सिर्फ नाइट्स में ही बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से आती है। और ये देखिए नीचे, तो यहाँ पर नीचे एक नदी भी बह रही है वो आगे तक, और वहाँ ना सड़क भी है। कहाँ से सड़क आई होगी वहाँ को इतने दूर में, लगता है वहाँ सामने से सड़क आई है। और जिस सड़क से हम आए हैं ना वो सड़क है सामने, वो आगे वाली जगह से हम आए, वो वाली सड़क पार पार से, और वहाँ आगे पुल है एक जहाँ से हम आए। ये जो सामने दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, ये है आपकी APG यूनिवर्सिटी शिमला, जो कि आपने अगर सुना हो तो ये बाईपास पे ही पड़ती है, यहाँ पे बेवलिया से थोड़ा सा आगे ये पड़ती है। तो लोग देखो इतनी दूर दूर बसे होते हैं, खासकर पहाड़ों में हर जगह बहुत दूर दूर होती है, सड़क हर जगह नहीं होती है, गांव काफ़ी दूर भी होते हैं। तो ये लोग देखो कितनी दूर में इनके घर है, साथ में नीचे को नदी है, जंगल है।
सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, उसमें है तारा देवी टेम्पल। तो अभी पहुंच गए हम जहां से तारा देवी टेम्पल को जाते हैं आप, जो कि शोगी से 3 किलोमीटर है। ये देखिए राइट साइड में, यहाँ से तारा देवी टेम्पल जाते हैं। और ये वो आगे वाला रोड रहा, तो बस 2 किलोमीटर बाद हम मेन रोड में वहां पहुंच जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं शिमला चंडीगढ़ रोड पे, और यहाँ ये आप देखो तो काफी बड़ा बोर्ड लगा है बाईपास का, और ये मेन रोड है शिमला चंडीगढ़। ये रहा आपका आगे चंडीगढ़ के लिए, और ये वाला रहा आपका शिमला के लिए। तो दोस्तों, ऐसी थी हमारी ये शिमला बाईपास का ये व्लॉग, जो कि मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग शिमला आते हैं। मैं भी आज काफ़ी दिन बाद शिमला गया, तो फिर मैंने देखा कि जाम काफ़ी देर लगता है, तो बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो एक साइड से कोई तो बाईपास से काफ़ी अच्छा रहता है, सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपका वो जाम का 1-1.5 घंटा बचा देता है, और ना ही आपको जाम में परेशान होना पड़ता है, क्योंकि जाम में तो आपको पता हल्की हल्की गाड़ी आगे जाती है। तो अगर शिमला से रिलेटेड आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, और कैसा ये व्लॉग लगा वो भी कमेंट कीजिए। और शिमला से रिलेटेड अगर कोई होटल्स या घूमने की जगह कुछ भी शिमला से रिलेटेड अगर आप चाहते हो तो मैं व्लॉग बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए जिस तरह का भी आपकी क्वेरी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।